बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज। और ब्यूटीफुल होना है और इस तरह के हेयर चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना लाजिम है। जी फ्रेंड्स, इस तरह के हेयर चाहिए, अपने हेयर को ग्रो करवाना है, स्कैल्प की कोई प्रॉब्लम है और जी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और हेयर जो है वो ग्रो करना रुक गए हैं, स्टॉप हो गए हैं स्कैल्प की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, कोई फंगल है, कोई इन्फेक्शन है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो है वेन्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जो रूट्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और बाल जो हैं वो बढ़ने का नाम नहीं लेते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। जी फ्रेंड्स, देखिए ये मेरी बेटी के बहुत ज़बरदस्त हेयर हो गए हैं। जी अभी हाँ, कैसे हो गए आपके हेयर बताएं, कैसे हो गए हैं? हाँ मुझे बोले बताएं ना, अभी मुझे बता रही थी कि मम्मा मेरे हेयर कैसे हो गए हैं, कैसे हो गए हैं? शाइनी हो गए हैं। जी फ्रेंड्स, बच्चों को भी पता चलता है कि उनके हेयर में जो है क्या डिफरेंस है और उनके हेयर जो है शाइनी हो गए हैं। अभी ये फुली जो है ड्राइड नहीं है लेकिन बहुत ज़बरदस्त, और स्कैल्प मैं आपको दिखा दूं, इससे पहले जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि स्कैल्प की क्या कंडीशन थी, हेयर की क्या कंडीशन थी, क्योंकि ये वेदर जो है सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म हुई हैं, सर्दियों में ज़्यादा हम बात नहीं ले सकते उसकी वजह से, और फिर गर्म पानी से बात लेते हैं, बाल धोते हैं तो उसकी वजह से भी जो सर का जो हाल होता है, बालों की जो कंडीशन होती है वो बहुत जो है बुरी हो जाती है। तो फौरन बाद जो है अगर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें सर्दियों के फौरन बाद, तो आप देख सकते हो कि बाल जो हैं कितने शाइनी सिल्की स्मूथ हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि स्कैल्प की सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होने वाली है। तो आप आगे चल के देखिए जी कि ये जो है हेयर इस हाल तक कैसे पहुँचे हैं। जी फ्रेंड्स, ये जो है हेयर मास्क ये रेडी है, इसको आप हेयर मास्क के तौर पे भी यूज़ करो, इसको आप स्कैल्प का जो है स्क्रब भी कह सकते हो, ये स्कैल्प को जो है एक्सफोलिएट करेगा, स्क्रबिंग करेगा और जो वेन्स जो हैं जो ब्लॉक हो चुकी हैं, जो रूट्स में प्रॉब्लम है किसी भी वजह से, डैंड्रफ की वजह से, और उसकी रीज़न जो है वेदर भी हो सकता है या कोई शैम्पू भी हो सकता है, किसी भी वजह से इरीटेशन है स्कैल्प पे और इचिंग स्कैल्प है, तो उसको भी ये बहुत ज़बरदस्त जो है ट्रीट करेगा, और जो ब्लॉकेज हो चुकी है जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ रुक गई है वो स्टार्ट हो जाएगी इसको यूज़ करने के बाद। तो इसको जो है मैंने जिस तरीके से बनाया है वो आपको जो है बाद में बताती हूँ, पहले इसको जो है अप्लाई करके देखते हैं कि इसको इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, और उसके बाद वॉश करके आपको रिजल्ट्स भी दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये जो है आप देख सकते हो बालों की कंडीशन बहुत रफ और ड्राई, और स्कैल्प जो है उसको भी हमने जो है नरिश रखना है। तो ये जो मैंने बनाया है जी स्कैल्प के लिए मास्क और जी स्क्रबर है ये, इसको आपने इस तरीके से अप्लाई करना है और रूट्स में जो है इसको आपने हल्के हाथ से इसका मसाज करना है, एक्सफोलिएट करना है स्कैल्प को इस तरीके से। इसी तरह सेकंड पार्टीशन में पार्टीशन करते जाना है और इस तरीके से जो है मसाज करना है बकायदा, जिस तरह मसाज करते हैं स्कैल्प पे ताकि स्कैल्प जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और डैंड्रफ की वजह से, ड्राइनेस की वजह से जो स्कैल्प पे प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही बालों की और बहुत ड्राई हो गए हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। अच्छा जी, इस तरीके से जो पूरे स्कैल्प को मैंने मसाज किया है
एक्सफोलिएट किया है अच्छे तरीके से, उसके बाद ये अप्लाई करके हमने इसको जो है रहने देना है 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए इसको आप रखेंगे। उसके बाद वॉश करना है, और वॉश जो है वो कैसे करना है वो भी मैं आपको जो है मेथड बताऊंगी 30 मिनट्स के बाद। इस तरीके से मसाज करते हुए जो है स्कैल्प को पानी डालते जाना है और लाइट लाइट मसाज करते जाना है। इस तरह आप जो है 5 मिनट्स के लिए पूरे स्कैल्प पे आप पानी डाल के मसाज करोगे और उसके बाद वॉश करना है। फ्रेंड्स, इस हेयर पैक को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ लॉरियल का है ये। आपके पास जिस भी ब्रांड का कंडीशनर है वो यूज़ करना है आपने। इस कंडीशनर को जो है आप अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग, मीन्स आपका कितना बड़ा सर है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें ऐड करोगे। मैं क्योंकि अपनी बच्ची के सर पे जो है अप्लाई करके आपको दिखाया है मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये पूरी ही बॉटल जो है इसमें कंडीशनर की लगेगी, मीन्स 2 स्पून होंगे, टेबल स्पून। और ज़रूरत हुई तो हम इसमें ले लेंगे। इसके बाद जी क्या ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे, कोकोनट फ्लोर है ये। कोकोनट फ्लोर ये आराम से जो है मार्केट से मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का आपको मिले तो आप लीजिए इसको, क्योंकि ये जो है कोकोनट आपको पता है कि ब्यूटी इन्ग्रीडियंट है। इसका ऑयल भी और इसका जो है कोकोनट फ्लोर भी और कोकोनट पाउडर भी, क्रश किया हुआ कोकोनट भी, जिस टाइप का भी कोकोनट है उसको जो है स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये स्कैल्प को जो है नरिश रखेगा और स्कैल्प को जो है उसकी प्रॉब्लम कोई भी है, जैसे ड्राइनेस है, डैंड्रफ है, स्कैल्प पे कोई ईचिंग है, उसको ये रिमूव करेगा। इसको जो है मैं ये 1.5 टीस्पून इसमें मैं ले रही हूँ। और इस ये क्योंकि जो इसका फ्लोर है ये आप देख सकते हो ये इस तरीके का है, मींस थोड़ा मोटा है, जिससे एक्सफोलिएशन हो सकती है हमारे स्कैल्प की। और इस वेदर के बाद, जैसे सर्दियों के बाद जो वेदर है, सर्दियों में जैसे फुल जो है हम बाथ जो है बहुत दिनों के बाद लेते हैं, और उसके अलावा हेयर की वो जो है केयर नहीं कर सकते जो हम रूटीन में करते हैं, तो इस वेदर के ख़त्म होने पे ये वाला ट्रीटमेंट करना मस्ट है। और ये ट्रीटमेंट जो है आपके, अगर आप वीक में 2 टाइम करते हो तो आपके बालों की लेंथ जो है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बालों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तो लेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। उसके बाद जी मेरे पास है ये पाउडर, और ये पाउडर जो है ये कैसे बना है ये आप वीडियो जो है वो साइड पर चल रही है आप उसको देखिए जी। ये सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, उनका पाउडर है, और ये भी अपने अंदर बहुत प्रॉपर्टीज रखता है। इसका जो ऑयल है वो बहुत ज़बरदस्त ऑयल इसमें शामिल है, वो स्किन जो फेस की स्किन है उसको भी मॉइस्ट रखता है और स्कैल्प को भी मॉइस्ट रखता है, और स्कैल्प पे ड्राइनेस, डल जो हो जाता है, मींस जो ब्लॉक हो जाते हैं रूट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से लेंथ बढ़ना और बालों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, उनको अनब्लॉक करेगा इसका मसाज जो है, और स्कैल्प के अंदर जाके जो बालों की ग्रोथ है उसमें बहुत हद तक इजाफा करेगा। उसके बाद मेरे पास है जी सॉल्ट, ये 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, और सॉल्ट ऐड करने का पर्पस ये है कि स्किन जो है वो, स्कैल्प जो है एक्सफोलिएट हो, और सॉल्ट जो है वो एंटी फंगल होता है, और कोई भी स्कैल्प को प्रॉब्लम है, इचिंग है, कुछ भी है, ये उससे सॉल्व हो जाएगी। अब इन चीज़ों को कर लेना है मिक्स। और बहुत ज़बरदस्त स्क्रबर जो है हमारे स्कैल्प के लिए, स्कैल्प का जो पैक है वो रेडी हो चुका है। और इसको अब जो है अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
एप्लीकेशन आप जो है देख चुके हो कि किस तरीके से करनी है,